मेरी इस फिल्म के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें एक नया कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलने वाला है और साथ ही एक नया डायरेक्टर भी मिलने वाला है, जो कि एज अ कोरियोग्राफर तो बहुत हिट है, एज अ डायरेक्टर रामदेवन जी के साथ मेरी पहली फिल्म होगी और एज अ कोरियोग्राफर बहुत सारी फिल्में की हैं, तो ये दो दो मतलब ये तो आइटम बम वाला एक्साइटमेंट है। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ कि रामदेवन जी के डायरेक्शन में ये फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, ये बहुत खुशी की बात है। बना दिए सब लोग, एक्चुअली डायरेक्टर ही दूल्हा होता है मेन, तो जो सारे दूल्हों को सजाता है सही तरीके से, तो अच्छा है कि डायरेक्टर स्मार्ट और हैंडसम है हमारा। जी, सबसे पहले सारे भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत सारे प्यार दिए एक साउथ इंडियन को आप लोगों ने, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत फिल्म के बारे में कहूँ तो बहुत अच्छी फिल्म है और प्लस पॉइंट ये है कि एक कोरियोग्राफर डायरेक्टर बन रहा है और मेरा हीरो खुद एक कोरियोग्राफर है, ये बड़ा अच्छा लगा। और गाने इसमें बहुत साउथ का झलक मिलेगा आप लोग को, जैसा अल्लू अर्जुन का डांस है, आज तक मुझे भोजपुरी में कोई कलाकार नहीं मिला जिसको मैं प्रभुदेवा बना सकूँ। इस फिल्म में एक हीरो को बनाऊँगा अजय देवगन, एक को बनाऊँगा प्रभुदेवा। स्टार कास्ट देखिए, बच्चे लोग नए हैं, उधारी नया लड़का है लेकिन लोग जानते हैं उसे, और दूसरा हीरो भी एक फिल्म कर चुका है महालैंड, और दोनों का कैरेक्टर भूमिका अलग है। और इस फिल्म के जो माँ बाप हैं, जो बड़े हैं, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे जी, सुशील सिंह जी, सारे मंजे हुए कलाकार हैं, तो ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत खूबसूरत बनाऊँगा इसे। जैसे मेरे 3 मिनट के गाने आप लोग 200 मिलियन 400 मिलियन पहुँचाते हैं, प्रार्थना करूँगा आप लोगों से मेरे फिल्म को भी उतना आशीर्वाद प्यार दें। इस फिल्म में संजय सर सबको नचाएंगे, इतना बड़ा किरदार है इनका, अवधेश मिश्रा को भी नचाएंगे ये, सुशील सिंह को भी नचाएंगे ये, इतना बड़ा किरदार है इनका। हाँ, ये बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि मैं शायद, जहाँ तक मुझे कहानी के बारे में पता है कि इस फिल्म में नेगेटिव मैं ही हूँ, ये दोनों लोग पॉजिटिव किरदार में, दोनों पॉजिटिव किरदार। हाँ, तो मार खाने का जिम्मा इकलौता मुझे ही दे दिया मास्टर जी ने, इन दोनों लोगों को बहुत सेफ जोन में रखा गया है कि बिल्कुल पिटेंगे नहीं, बट अच्छी बात है कि, और हम शायद हमने एक ही फिल्म की थी, दो फिल्में हम साथ कर चुके हैं जिसमें हम तीनों लोग हैं, जीना तेरी गली में, राज तिलक, और ये इतनी फिल्मों के बाद ये तीसरी फिल्म है जिसमें हम तीनों एक साथ दिखेंगे, और ये मेरे लिए भी बहुत एक्साइटमेंट की बात है और ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग एक दिन में 5 लोकेशन शूट किए हैं, जिसमें से फिल्मिस्तान गोरेगांव का, आदर्श नगर जो स्ट्रगल एरिया है रियल भोजपुरी लोगों का, 3rd हम लोग जूह चौपाटी, 4th बैंड स्टैंड, 5th ताजेली, 6th सिद्धिविनायक, इतने लोकेशन आज हम लोग एक दिन में शूट करके आए हैं। वेरी गुड, काफ़ी हीरो मेहनती है और मैं तो मेहनत से पीछे कभी हटता नहीं हूँ, और कोरियोग्राफर को कोरियोग्राफर मिला तो कुछ हंगामा करूँगा। म्यूज़िक पे अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो फिर मजाक हो जाएगा म्यूज़िक के साथ। म्यूज़िक मैंने एक ही लाइन में बोला था कि इस पिक्चर में मेरा हीरो जो है अल्लू अरविंद के स्टाइल में दिखेगा, फुल टू डांस के साथ। क्या बात, आपका भी कोई स्पेशल सॉन्ग होगा? मेरा नहीं होगा, लेकिन पूरे फिल्म का एंड में एक गाना होगा जिसमें अक्षरा सिंह जी नाचेंगी, और जैसे मैं हूँ ना ओम शांति ओम में फराह खान करती है, उस तरह का पूरा यूनिट, स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक, कलाकार से लेके उनके स्पॉट बॉय तक, सारे लोग एक साथ एक गाने में नजर आएंगे जिसको स्पेशल सॉन्ग बोला जाएगा। थैंक यू। बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझते हैं कि हमारे पास अपना खुद का एक सनी है, और वो सनी देओल नहीं है, सनी लियोन है हमारी इंडस्ट्री की। बस ये आप लोगों की मेहरबानियाँ हैं, आप लोगों का प्यार है, जो आज आप लोगों ने मुझे इस कदर इतना नवाजा है प्यार। नहीं, इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें वो सनी देओल होगा या सनी लियोन होगा? इस फिल्म में भी सनी लियोन होगी। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि फोन किया आपने और सामने वाले बोला बोलिए सनी देओल जी? नहीं, बट लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लाइक कि अच्छा आप सनी बोल रही हैं? हाँ मैं सनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, लाइक कि वो कंफ्यूज हो जाता है, आई एम गर्ल अ बॉय। तो आप फिर आप जो ये कंफ्यूजन उसे कैसे दूर सकती हैं? नहीं बताती हूँ, मैं ही सनी बोल रही हूँ। कभी आपने सनी देओल साहब को फोन किया? नहीं नहीं।
पूजा फिल्म के टॉपिक पे लौट रही है आप क्या टाइम पास फिल्म का मुहूर्त किया जा रहा है सबसे पहले फिल्म के बारे में और किस तरह का किस तरह की भूमिका की सनी सनी किस फिल्म में एक बड़ी देसी टाइप की भूमिका होगी जो कि बोल्ड और देसी का कॉम्बिनेशन होगा आई होप कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये कॉम्बिनेशन क्योंकि मैं खुद ही फर्स्ट टाइम ऐसा कैरेक्टर प्ले करने जा रही हूँ जो मुझे डिफरेंट लग रहा है तो बट ऑब्वियस ऑडियंस को भी डिफरेंट लगेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मैम आप क्या कहेंगी फिल्म के बारे में और अपने बारे में कुछ सो आई एम अ पंजाबी एक्ट्रेस सो फर्स्ट टाइम भोजपुरी हाँ लव दिस कल्चर इवन लैंग्वेज सो या और मेरा जो इसमें एक करेक्टर है वो एक मॉडर्न है कि या आई एम अ सुपरस्टार सो लाइक दिस हाँ सो आई जस्ट लव दिस लैंग्वेज एंड फर्स्ट टाइम है सो आई थिंक सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सो थैंक यू मतलब भोजपुरी आपको पसंद है इसलिए आप ये फिल्म कर रही हैं या आई लव भोजपुरी या मतलब कल्चर हो या कुछ भी लैंग्वेज हो सो फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इन भोजपुरी सो आई डू माई बेस्ट आपको आता है भोजपुरी बोलना लिटिल बिट लिटिल बिट फिल्म के लिए आप सीख रही हैं या या माई ग्रूमिंग्स आर गोइंग ऑन फॉर फिल्म बिकॉज आई एम पंजाबी मतलब एक्ट्रेस सो लिटिल बिट हार्ड फॉर मी बट या इट्स ऑसम भोजपुरी में बोल के बताइए खाओ खालवा लाइक दिस हां सनी को तो बहुत अच्छी है जी बिल्कुल कुछ कहिए अब आप लोग के प्यार दुलार बार इससे ज़्यादा का कह सकी ना कुछ तैयारी कर रही है बाकी फिल्मों से काफ़ी अलग जी हाँ इस ये फिल्म का जो मेरा किरदार है वो बाकी फिल्मों से अलग है तो मैं उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसका मैं सीक्रेट अभी आपको लोगों को बताने वाली नहीं हूँ बिकॉज वो आपको फिल्म में देखना है अगर आप बट वैसे पूजा सेट पे आने वाली है बिल्कुल हाँ तो पूजा खुद देखेंगी आप लोग भी आइएगा और आप लोग देखिएगा इसके लिए मैं थोड़ी सी थोड़ा वजन बढ़ा रही हूँ लाइक कि कैरेक्टर वैसा है कि मुझे थोड़ा सा वजन बढ़ाना है तो लाइक कर रही हूँ तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है जब आप वजन बढ़ाने की बात सोचते हैं तो मेरा नाम मत लेना आप ही हीरोइनों में से नहीं लाइक कि हीरोइनों में तो मुझे सनी लियोन बहुत अच्छी लगती है मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ और लाइक उन जब वो फर्स्ट फिल्म में आई थी जिसमें टू उनका वेट ज़्यादा था लाइक अब उन्होंने कम कर लिया है तो आई विश कि मैं अच्छी लगूंगी वेट बढ़ने के बाद तो मैं सनी जी से इंस्पायर हूँ थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सो मच ये मेरी पांचवी छठी फिल्म है अच्छा ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भोजपुरी में जनरली चल रहा है बच्चे आते हैं स्ट्रगल करते हैं तकलीफ में रहते हैं यहाँ आकर क्या वो झेलते हैं बेसिकली ये स्टोरी मैंने अपने हिसाब से देखी थी और मुझे ये बच्चा मिल गया उधारी मुझे नाम भी सूट किया तो मैं बोला चलो टाइटल ही रख देते हैं उधारी सुपरस्टार इसकी बेसिकली अपनी लाइफ है इसकी अपनी लाइफ है सबकी लाइफ पे ये फिल्म हर बंदा फील करेगा अपने लिए कि ये मेरी लाइफ है जो मैंने स्ट्रगल देखा है उधारी सुपरस्टार ये है नहीं आखिर आपको ऐसा क्यों लगा कि ये उधारी इस रोल के लिए परफेक्ट बैठ सकते हैं क्योंकि स्ट्रगलर्स की या फिर नए लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है नहीं 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 ऐसा नहीं है हमने साथ में काम किया ऐसे ही बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे उधारी ने अपनी लाइफ बताई कि दी मैंने ऐसे ज़िंदगी जी है कुणाल से बात हुई कुणाल से मैंने चलो एक फिल्म बनाते हैं इन्होंने मेरे साथ एल्बम की है तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लड़का बहुत आगे जा सकता है ही इज़ अ गुड डांसर बाय नेचर ही इज़ वेरी नाइस कर सकता है लाइफ में और बेसिकली मैं यूपी से हूँ तो मुझे लगता है कि अपने यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए उधारी क्या ये आपकी ज़िंदगी की कहानी होगी उधारी सुपरस्टार सबसे पहले आप सभी को फिर से एक बार प्रणाम रहोगे फिर प्रणाम देर सेल बनी उधारी की ही कहानी ना हमारा हिसाब से जे भी अगर लड़का जीरो लेवल से स्ट्रगल कर स्टार्ट कर लो ना बम्बई में उस सब लड़का कहानी है उधारी सुपरस्टार और बस ये बात बताने का हम एक हिंट खाती कि सबका कहानी बा उधारी की कहानी के लिए अच्छा अक्सर जब लोग सुपरस्टार होते हैं तो उनके बाद उनके स्ट्रगल्स की कहानियों को मुझे लगता है कि जब सही पहचान शायद उनके सुपरस्टार बनने के बाद ही होती है माना उधारी के लिए बहुत इनिशियल है बहुत शुरुआती दिन है लेकिन फिर भी स्ट्रगल का सबसे बुरा फेस क्या था उधारी बुरा फेस ये था कि एडिटिंग स्टूडियो में मैं खाना खिलाकर लोगों को आ रहा था और मैंने गोबर के बाजू में से एक बड़ा पाव उठा के खाया इससे बड़ा बुरा मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ हालांकि ये बताने वाली बात नहीं है और ये फिल्मी बात ही नहीं है मैं भगत सिंह नगर में रहता था भगत सिंह नगर आप लोग जानते ही होंगे और मैं एमजी रोड से एक दिन में एक डांस क्लास कराता था मुझे एक घंटे का 300 रुपये मिलता था
300 रुपये में मुझे, मैं कहीं जाता था तो 12 रुपये लेके जाता था जुहू के लिए, रेंट 12 रुपया उस समय लगता था SB रोड से, अरे नहीं बस का, वो 12 रुपये मुझे बचाना होता था। फिर मुझे कुछ खाना होता था 250 रुपये में, मैं लोगों को सैंडविच और वो को सब खिलाता था। खिलाने के बाद कुछ दिन ऐसे बीता, खिलाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं बचते थे, और जिस घर में मैं PG में रहता था, अगर मैं 20 रुपये नहीं देता था तो मुझे, मेरे लिए खाना नहीं बनते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत भूख लगा था, मैं लोगों को सैंडविच खिला के आया, और मैं खुद एक सिद्धार्थ नगर एक चौक है मोतीलाल नगर में, उधर आप देखेंगे एक गुरुद्वारा है, मैं वहाँ पर MG रोड से आ रहा था और गिर गया, और मुझे इतनी तेज़ भूख लगी, इतनी तेज़ प्यास लगी, मैं क्या बताऊँ। मैं गोबर के बाजू में पाव था शायद, गोबर के नहीं कहूँगा, गोबर गणेश जी का रूप होता है, तो गणेश जी ने मेरे लिए वो पाव रखा, मैं खाया, तो वो था। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी, लेकिन एक जो छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आप सबको शेयर किया। वो दर्द मैं आंखों में देख सकता हूँ उधारी के, कभी ऐसा लगा कि सच में अब छोड़ देना चाहिए, शायद स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हद तक हो गया है, अब कुछ और करना चाहिए, सर ऐसा फील हुआ? सर छोड़ना तो छोड़िए, एक से एक धमकियाँ भी आती थी मुझे, कुछ कांड हो गया था इसके लिए, कांड मतलब इसलिए कि हमारी एक फिल्म बनी थी बलिया की दबंगई, उसमें कैसे कैसे वो फिल्म बना था, कैसे कैसे मैं उस चीज़ को आगे लेकर गया, फिर कंप्लीट तक पहुँच पाया, तो उसके बाद लोगों ने धमकी दिया कि तुमने फिल्म कंप्लीट क्यों करवाया जी, तुम तो एक एक्टर हो, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है, प्रोड्यूसर कोई और है, ये हो। मेरी पहली फिल्म थी, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता रहा, क्योंकि मैं जो जो फिल्म बनाए थे वो मेरी जानने वाले थे, हालांकि आज उस दुनिया में नहीं है, मैं कहीं ना कहीं प्रे करूँगा कि वो जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। सर वो जिंदा थे तब तक या आज वो नहीं है तब तक, आज मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ी सी अच्छाई होगी जो मेरे लिए इतनी बड़ी फिल्म बनाई जा रही है भैया के लिए और मेरे लिए, कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगा। जहाँ तक आपके बीच में पंकज भैया आए हुए हैं, वो भी जानते हैं पूरी कहानी को, स्टील फोटोग्राफर जो हैं। सर एक दौर एक ऐसा आया था ना कि मैं भांडुप स्टेशन पे मेट्रो मॉल के बाजू में बैठा था और मैं सोच रहा था मैं अब सुसाइड करूँगा जो लास्ट ट्रेन आएगी। क्यों? स्ट्रगल इस कदर हो गया था ना सर, खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए पैसे नहीं, यहाँ तक कि मैं पहले डेकोरेशन करता था, उसकी एक लास्ट कमाई की मैं मोबाइल रखा था अपने पास, मोबाइल मेरे पास लास्ट डेकोरेशन की कमाई थी 2013 वाली। मैं बताना चाहता हूँ थोड़ी दिली, आज हो रहा है तो खोल ही देता हूँ, भैया पूछ रहे हैं, हालांकि हमेशा इंटरव्यू लेंगे नहीं है मेरा। तो क्या हुआ कि मैं किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जिस रूम में रहता था उन्होंने बोला कि भाई आपको रहना है तो किराया देना पड़ेगा। वो लास्ट मेरी डेकोरेशन की कमाई थी, मैंने मोबाइल को 12,000 की मोबाइल मैंने 2,500 रुपये बेचा और 2,500 रुपये किराया दे दिया उनको किराए के रूप में। 14 दिन मेरे पास मोबाइल नहीं थे, उसी बीच में मेरे फिल्म के लिए कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मुझे पैसे चाहिए थे और पैसे नहीं थे, मैं दर दर भटकता था, उस समय डांस क्लास भी मेरे बहुत कम चलते थे, और एंड ऑफ द मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि अब बेटा तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं है, और लोगों के पास जाता था ना जिनके पास कि मुझे काम चाहिए, उनके अनाप शनाप डिमांड्स, हालांकि मैं उनका कुछ आज वजूद भी नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन उनके अनाप शनाप डिमांड्स होते थे जो कि मैं पूरा नहीं कर सकता था। तो ऐसा लगा कि बेटा अब तुमको आज सबको मोह माया छोड़ के आज ख़त्म है तुम्हारी दुनिया, लेकिन उस आदमी का भला हो जिसने मेरे ऊपर टार्च बारा, अरे टार्च बोला गाड़ी का लाइट बारा, और मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है, वो कहीं भी बार और उससे निकले हुए थे मतलब वाइन वाइन करके, लेकिन बेचारे ने पूछा, मराठी बंदा था, उस बंदे को थैंक यू कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उस बंदे का भी कहीं ना कहीं हाथ है। भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, शायद आपके लिए वही रूप था। फिलहाल आगे बढ़ता हूं, कुणाल से पूछता हूं यार, इमोशनल कर दिया इसने। कुणाल बेसिकली जब फिल्म में उधारी सुपरस्टार है तो फिर कुणाल कौन है? देखिए अगर उधारी है मैं बताता हूँ, सुपरस्टार यही है। मैं खुल के बोल दिया उधारी और ये सुपरस्टार है। तो बेसिकली उधारी सुपरस्टार में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उधारी सुपरस्टार में उधारी मेरा एक छोटा भाई है, ये कहानी में नहीं है, ये आम जिंदगी में है हम लोगों के। और स्ट्रगल के दौर में जब स्ट्रगल चल रहा था अच्छे सिनेमा का, कि अच्छा सिनेमा कहाँ से मिले, उस दौरान हम लोग साथ मिले थे, और हम लोगों का एक प्रयास था कि किस तरीके से कुछ नया काम किया जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए, जब काम करना है तो अच्छे कंटेंट पर काम करना है। तो मेरे लिए तो वही स्ट्रगल बहुत बड़ा हो गया था, रोटी तो मिल रही थी मेरे को, लेकिन स्ट्रगल यही बड़ा हो गया था कि अच्छा काम कहाँ से मिले। प्रोड्यूसर मैडम, आप एक फिल्म बना रही हैं उधारी को लेकर, उधारी को सुपरस्टार बना रही हैं, मुझे पता नहीं उधारी की किस्मत जाने आपकी फिल्म जाने। उधारी ऑलरेडी सुपरस्टार है, इसीलिए उसके लिए सुपरस्टार फिल्म बनाई जा रही है। ये हमारी माँ है तो माँ के नजरिए से देख रही है। नहीं नहीं, मेरा लड़का सुपरस्टार है, उसमें हर वो क्वालिटी है जो एक हीरो में होनी चाहिए, कलर पे और हाइट पे मत जाना। लेकिन वो सच में एक अच्छा हीरो है, और इसे एक अच्छा कोरियोग्राफर प्लस
डायरेक्टर दे रही हूँ इस फिल्म के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, हमारे रामदेवन सर, इन्होंने तकरीबन 500-700 फिल्में की होंगी, लेकिन इस फिल्म में ये डायरेक्टर हैं। बेसिकली डांस बेस्ड फिल्म है, तो हमने सोचा कि ऑर्डिनरी कोई डायरेक्टर हो तो इससे अच्छा कोरियोग्राफर को ही डायरेक्टर क्यों ना बना दिया जाए। मेरा सौभाग्य है। और पहली बार इतिहास में होगा एक कोरियोग्राफर को दूसरा कोरियोग्राफर डायरेक्ट करेगा और कुछ भूचाल आएगा डांस में, लाइक अल्लू अरविंद, प्रभुदेवा, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, उस लेवल का डांस इस भोजपुरी इस फिल्म में मिलेगा आप लोगों को। इंडस्ट्री को हम लोग एक अच्छा डांसर देने जा रहे हैं। अब तक सिंगरों का जमाना था, अब डांसर राज करेंगे। अब डांसरों का जमाना। भाई डांसर बुरा मत, सिंगर लोग बुरा मत मानो, हमारे महतारी को आता ही नहीं। नहीं, दौर सबका आता है, अच्छे बुरे सिंगर भी हिट थे। जितने सीनियर स्टार हैं सब तुझे ब्लेसिंग देंगे, टेंशन मत ले। सब मेरे बड़े भाई की तरह हैं, खेसारी भैया बहुत मानते हैं मुझे, दिनेश भैया तो जब मिलते हैं वाह वाह आशीर्वाद देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि पवन भैया से मेरी कम मुलाकात होती है और उम्मीद है कि जब मिलूंगा तो आशीर्वाद उनसे भी लूंगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस इतना कहूंगा कि ये सिनेमा अपने आप में एकदम अलग सिनेमा है और पहली बार ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग डांस बेस्ड एक सिनेमा बने। अच्छा, इससे पहले आपकी सोच ऐसी नहीं थी, तो पहले तो आप मारधाड़ वाली फिल्में बनाते थे। भाई राइटर हूँ, उसके पहले मेरे पे ध्यान नहीं गया होगा। राइटर हूँ, डायरेक्टर जो मांगता है, प्रोड्यूसर जो मांगता है वो करना। मारधाड़ तो इसमें भी है। और इस कहानी के बारे में मैं बता दूँ कि ये कहानी सोच हमारी मैडम की है, वन लाइन इनका है, मैंने सिर्फ उसको डेवलप किया। मुझे पता है भोजपुरी में पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, डांस बेस्ड फिल्म की, याद दो तीन फिल्में आई थी, नचनिया मुझे याद है, अच्छी कहानी थी, बट बहुत अच्छा नहीं कर सकी मनोज जी। भोजपुरी सिनेमा में डांस बेस्ड फिल्मों के लिए कितना इसको नजर आता है, आप राइटर हैं बेहतर जानते हैं। देखिए क्या होता है कि ये आप मुझसे कई बार ये सवाल कर चुके हैं और मेरा जवाब हमेशा यही रहा है और आज भी यही होगा कि कहानी वही 10 होती है, जिस तरह से 9 रस होते हैं, 9 को मिला के 10वां रस होता है, उसी तरह से वही कहानियाँ होती हैं, उसका प्रेजेंटेशन नया होता है। तो इसके पहले डांस बेस फिल्म बनी, उनका अपना एक प्रेजेंटेशन था, ये हमारा एक अलग प्रेजेंटेशन है जो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। आप खुद भी इसमें डांस करते हैं, अभिनय करते दिखाई देंगे? हाँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे पूरी फिल्म में एक नाच रहे हैं पूरी, तभी तो हम लोग नाचेंगे, ये नचाएं हैं नाचेंगे। मैं पर्दे के पीछे का कलाकार हूँ, पप्पू जो पर्दे के ऊपर के कलाकार को आकार देता है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप जी अभिनय आपको अच्छी तरह से आता है, ना करने वो अलग चीज है। जी जी जी, बट देखना चाहेंगे हम आपको कभी भी पर्दे में, उसके लिए आपको रंगमंच तक आना पड़ेगा, अभिनय का शौक आज भी है। अच्छा, रंगमंच आप बोल रहे थे पप्पू प्रोडक्शन करेक्टर है आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी हमारे फिल्म में कैरेक्टर है जो कर रहे हैं मनोज जी, पप्पू प्रोडक्शन, ये रोल वही करेंगे। ये पप्पू प्रोडक्शन एक बहुत यूनिक है और वो कलाकार क्या है वो पर्दे पे दिखेगा, ये दर्शकों के लिए एक सरप्राइज रहने दे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, उसमें ऐसे दिखेंगे कि जब आपने कैसे ऐसे प्रोडक्शन वाला कहीं नहीं देखा होगा। देखिए इस सिनेमा के बारे में एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सिनेमा का जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो अमूमन फिल्में बनती हैं उन्हीं को लेकर एक कटाक्ष है, जो फिल्में बनती हैं उन्हीं को लेकर कटाक्ष है। अब वो क्या है ये आपको सिनेमा में देखने को मिलेगा। कब तक महादेवन सर फिल्म देख पाएंगे हम? रामदेवन, रामदेवन, रामदेवन सर, सॉरी सॉरी सर, कब तक देख पाएंगे फिल्म? आनंद जी नाश्ता किए नहीं किए? गर्मी ने उनको बर्बाद कर दिया। दोनों भगवान का ही रूप है मेरे लिए, तो राम हो चाहे महादेव जी, बताएं सर कब तक फिल्म आ जाएगी रिलीज? दिवाली के पहले। दिवाली के पहले जी। शूट कहाँ कहाँ करेंगे? शूट हम लोग करेंगे सिलवासा प्लस मुंबई प्लस सफाले प्लस संजान। और गाने के लिए हम लोग आउटडोर राजस्थान, गाने के लिए राजस्थान जाएंगे, नया लोकेशन लाएंगे। सर साउथ में कभी भोजपुरी फिल्म नहीं करेंगे? अब करेंगे, अपने प्रोड्यूसर को वहां जाते नहीं। नहीं नहीं, अब करेंगे क्योंकि हमारे पास साउथ का डायरेक्टर आ गया है, तो विल गो, डेफिनेटली विल गो। क्या बात, हो सकता है स्पेशली गाने के लिए जाएंगे हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।